ठीक है। अब बॉर्डर की अगर हम लोग बात करें, होम पे आते हैं एक बार, यहां पे देखिए, यहां पे भी आपको बॉर्डर दिया गया है। ये जो बॉर्डर आपको यहां तक दिया गया था, ये था पैराग्राफ के लिए बॉर्डर, ठीक है। लेआउट में जो बॉर्डर दिया गया है वो पेज के लिए दिया गया है, पेज बॉर्डर, ठीक है। हम पेज बॉर्डर में आते हैं, ये बॉर्डर है पैराग्राफ के लिए, ये बॉर्डर है पेज के लिए। अच्छा, एक बार हम इसको क्लोज करते हैं और वहां से जाते हैं, होम पे जाते हैं, इस वाले बॉर्डर पे आते हैं और यहां से देखिए बॉर्डर सेटिंग है, यहां से आते हैं, आप देखिए कहां पहुंचे बॉर्डर पे, यानी ये किसके लिए था, पैराग्राफ के लिए, और ये किसके लिए है, पेज के लिए, ठीक है। अब बॉर्डर में आप क्या रखना चाहते हैं, नन बॉर्डर नहीं रखना चाहते हैं, बॉक्स रखना चाहते हैं या शैडो रखना चाहते हैं, हम बोलते हैं चलो शैडो रखना चाहते हैं, तो देखिए थोड़ा सा शैडो बनेगा, परछाई बनेगी। इसके बाद लाइन का स्टाइल कैसा रखना चाहते हैं, ये बहुत सारे लाइनिंग का स्टाइल है, जो आपको लाइन का स्टाइल चाहिए आप वो ले लो, हम कहते हैं ये वाला लाइन का स्टाइल, ठीक है। बॉर्डर नहीं रखते हैं, सॉरी शैडो नहीं रखते हैं, बॉक्स रखते हैं, ठीक है। अच्छा, लाइन का कलर कौन सा रखना चाहते हैं, जी हम रेड कलर रखना चाहते हैं। लाइन की मोटाई कैसी रखनी चाहते हैं, आप ये वाला मोटाई रखना चाहते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट, ठीक है, हमने कहा ओके, तो अब देखिए ये पेज के बाहर बाहर में एक बॉर्डर आ गया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रिंटिंग में कट जाएगा, प्रिंटिंग में कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरा मार्जिन तो यही है ना, समझ रहे हो, और ये बॉर्डर तो मार्जिन से बाहर आ गया, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये मेरा कट जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये कटेगा नहीं, ये उसके साथ प्रिंट होगा, देखो मार्जिन यहां है, अभी अगर हम एक रेक्टेंगल बना के यहां रख दे तो वो कट जाएगा, लेकिन ये प्रिंट होगा, क्लियर हो गया। अच्छा, पेज बॉर्डर में तो आपको ये कहानी समझ में आ गई, शैडो में देखते हैं शैडो में क्या स्टाइल बनेगा, ओके करते हैं, तो ये देखिए थोड़ा सा शैडो आपका बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अच्छा, पेज बॉर्डर में एक चीज और है कि आप चाहें तो कहीं का बॉर्डर हटा भी सकते हैं, कि टॉप बॉटम में बॉर्डर ना हो, सिर्फ लेफ्ट राइट में हो, तो आप लेफ्ट राइट दे सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आ गई बात। अच्छा, एक चीज और करा सकते हैं कि यहां देखिए ये है आर्ट, आर्ट में आप जब जाओगे तो बहुत सारे आर्ट आपको मिलेंगे, आप इससे भी बॉर्डर बना सकते हो, तो आप देखो इसमें ये फूल आ गया, चूंकि ये लाइन पतली है इसलिए ऐसा आ रहा है, हम थोड़ा सा लाइन को मोटा कर देते हैं, जो ये लाइन तो मोटी नहीं होगी, यहां से इसका वेथ बढ़ेगा, ओके, तो ये आर्ट से भी आप बॉर्डर बना सकते हो, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। तो जो चीजें हमने यूज किया है पेज पे, वही सारी चीजें यूज होगी बॉक्स पैराग्राफ पे भी, आप पैराग्राफ को भी बॉर्डरिंग कर सकते हो। उसके बाद एक चीज और है सेडिंग, अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर एक सेड पड़े, मतलब इसके अंदर कलर फील हो, ठीक है, हमने कहा ओके। अभी सेडिंग में क्या है, ये पैराग्राफ पे भी होगा, एक मिनट, ओह सॉरी, इसमें कॉलम इनेबल है, अभी आपको कॉलम को खत्म करना पड़ेगा जो हम लोग अभी क्लास किए थे पिछले में, ठीक है। ये शेडिंग, ठीक है, तो टेक्स्ट की शेडिंग जो होगी वो कहां आएगी, पैराग्राफ पे आएगी, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग सेटिंग आए, तो इसको हमने सिलेक्ट किया, लेआउट में गए, सेटिंग में आए, और यहां से हमने कहा कि इसका सेड जो हो वो ये वाला हो, तो इसका सेड अलग हो गया, इसका सेड अलग हो गया, समझ में आ गया,
ये सेटिंग है, याद रहे हाइलाइटर नहीं है, हाइलाइटर अलग चीज है, ये रहा हाइलाइटर, हाइलाइटर अलग चीज है, सेटिंग अलग चीज है, काम लगभग दोनों एक जैसी करती है। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम यहां से हाइलाइटर से हाइलाइट कर देते हैं। लेकिन क्या हुआ, आप ध्यान दो कि इसमें यहां से नहीं आया, जब ये सेट पड़ेगा तो वो पूरा लाइन लेगा, हाइलाइटर सिर्फ टेक्स्ट को हाइलाइट करेगा। समझ में आ गई बात, सेटिंग पूरा ले रहा ना, क्लियर हुआ। अभी हम यहां से सिलेक्ट करते हैं और इसका सेट चेंज करते हैं, तो सेट जब चेंज हुआ तो पूरे का हुआ, लेकिन हाइलाइट क्या करेगा, सिर्फ टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज करेगा। क्लियर हो गया, बॉर्डर और सेटिंग समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं?